कभी आपका भी बहती गंगा में पैसे या फिर कोई इतनी कीमती चीज गिरी है जिसको लेकर आप बहुत ज्यादा रोए हो? आज बहते हुए पानी में मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया जो कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। यहाँ पर मैं अपनी रील बनाने के लिए आई थी क्योंकि मैं थी उत्तराखंड में। उत्तराखंड मेरा होम टाउन है जहाँ पर बहुत सुकून मिलता है जब भी मैं वहाँ जाती हूँ। तो मैंने इस बार सोचा क्यों ना एक रील बनाया जाए गेट रेडी वाली। ये पूरी रील आप मेरी इंस्टाग्राम पर देख सकते हो, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। यहाँ पर मैंने जो जो भी प्रोडक्ट्स यूज किए ना सब मैंने बताए हैं कि क्या क्या मैंने अपने फेस पर यूज किया है। सबसे पहले तो मैंने अपना फेस वॉश किया था बहते हुए पानी से, अच्छा और क्या ही हो सकता है। धूप इतनी कड़ाके की थी लेकिन पानी इतना ठंडा था पता ही नहीं चल रहा था और गर्मी तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। तौलिया भी मैं अपना यहाँ पर लेकर गई थी, हर एक सामान लेकर गई थी मैं यहाँ पर, लेकिन डर यही था कि कोई सामान मेरा पानी में ना बह जाए। आप देखोगे पीछे का व्यू और सामने का व्यू कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है, ऐसा मन कर रहा था यहीं पर रहने का, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। आसपास घर हम बना ही नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बाढ़ आ जाती है या फिर बारिश हो जाती है, जिस वजह से यहाँ पर लोग घर नहीं बनाना प्रेफर करते हैं। खूब सारा मेकअप पोतने के बाद मैं यहाँ पर आसपास के नजारे देख रही थी। एक तरफ पूजा चल रही थी, दूसरी तरफ मेरा मेकअप चल रहा था। यहाँ पर मैंने खूब सारा ब्लश लगा लिया था क्योंकि ब्लश के बिना आई फील अधूरा अधूरा। ब्लश लगाने के बाद मैंने अपने आईज में कॉन्टोर लगा लिया था क्योंकि मुझे ब्राउन और स्मोकी आईज ज्यादा पसंद है, इसीलिए मैंने कॉन्टोरिंग कर ली थी। आंखों में फेस पर मुझे जरूरत नहीं है, आप देखोगे मेरा फेस कॉन्टोर हुआ है ऑलरेडी। उसके बाद मैंने लिप बाम लगाया, लिप ग्लॉस लगाया एंड आई एम डन, क्योंकि मैं लिपस्टिक यूज नहीं करती, मुझे लिपस्टिक यूज करना बिल्कुल नहीं पसंद। यहाँ पर डन हो गया था मेरा मेकअप। बारी थी हेयर स्टाइलिंग की, तो हेयर तो मैं अपने टाई करके गई थी क्योंकि बहुत ही तेज हवा चल रही थी। मन तो कर रहा था यहीं पर वॉश कर लूं, लेकिन बोला जाता है पानी जहाँ पर बहता है वहाँ पर आप अपने हेयर वॉश नहीं कर सकते और ना ही जोर जोर से चिल्ला सकते। हेयर ओपन करने के बाद जैसे ही मैंने अपनी कंघी निकाली ना, वो पानी के अंदर गिर गई थी। आई स्वेयर इतनी महंगी तो कंघी थी नहीं, लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ था, ऐसा लग रहा था यहीं कहीं मिल जाएगी, लेकिन बहते हुए पानी में आज तक इंसान नहीं मिला है, कंघी तो खाक मिलेगी। इसलिए मैंने अपने सपने छोड़ दिए सजाने और लग गई दूसरी कोम से अपने हेयर को कोम करने। यहाँ पर मेरे हेयर भी हो चुके थे, मेरा स्किन रूटीन भी हो चुका था, सब कुछ हो चुका था, लेकिन मेरे दिल में अभी भी दुख था कि मेरा बहुत बड़ा लॉस हो गया है। एक कंघी की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, लेकिन मैं जान चुकी थी कि भाई इतनी स्टाइल भी नहीं मारनी है कि आपका सामान ऐसे बह जाए। वेल, यहाँ पर मेरा गेट रेडी हो गया था, लेकिन इसके बाद ही मुझे शांति नहीं मिली। मैंने सोचा था यहाँ की वादियों का मजा लेकर ना यहाँ पर मैगी बनाई जाए, तो सुबह का टाइम ये हो रहा था और शाम के टाइम मैंने सोचा था कि मैं आऊंगी यहाँ पर मैगी बनाने के लिए अपनी पूरी टीम के साथ। यहाँ पर मेरे भाई ने बहुत ही ताजी ताजी मैगी बनाई थी, उसमें कुछ वेजीज डाले थे और मिर्ची ज्यादा कर दी थी। मैं ज्यादा मिर्ची वाला खाना खा नहीं पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने 3-4 बाइट खाई, मजा आ गया। बाय गॉड, आपको कैसा लगा कमेंट से बताना। बाय बाय।